हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अभिषेक वीनस ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आपके चैनल अभिषेक वीनस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज बनारस में मैं यहाँ पर अस्सी घाट के जस्ट बगल में तुलसी घाट होता है, मैं तुलसी घाट पर चले आया हूँ। और आज यहाँ पर है नागनाथैया। तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये प्रचलन अपने काशी में ही देखने को मिलता है, यहीं पर होता है वो। और ये मान्यता है कि जब तुलसीदास जी थे तो उनके टाइम से ये चला आ रहा है, उनका ये स्थापित किया हुआ है, उनके द्वारा ही ये रचित किया गया है कि यहाँ पे नागनाथैया मनाया जाएगा। तो उन्हीं के परंपरा के अनुसार आज तक वो चला आ रहा है यहाँ पर, और पिछले 400-500 वर्ष पहले से ही ये प्रथा आज भी चला आ रहा है। और इसको मनाने के लिए यहाँ की जो काशी नरेश के कुंवर हैं अनंत नारायण जी, वो भी स्वयं यहाँ पे आते हैं, और भी बहुत सारे पीठाधीश ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर संपन्न कराने के लिए आते हैं, और प्रशासन गढ़ भी बहुत सारे लगे रहते हैं। तो ये इस शाम काल में ही इसको मनाया जाता है। तो जैसे कि अभी मैं तुलसी घाट पर खड़ा हूँ, और पीछे आप देख सकते हैं कि वो घाट पर ये पेड़ जो है, तो यहाँ नागनाथैया होता क्या, मीन्स मैं बता दूँ, नागनाथैया में होता है कि भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला करते हुए जब अपनी बॉल को जमुना नदी में फेंकते हैं, तो वहां से जब वो कालिया को मार के जब ऊपर आते हैं, तो उसी दृश्य को ये दर्शाने के लिए ये लीला किया जाता है। तो ये मनोहर दृश्य केवल अपने बनारस यूपी में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अन्यथा कहीं और नहीं मनाया जाता है। ये अपने खास बारस मनाया, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, ये सब सारा कुछ लगा हुआ है, और पीछे पूरी आप वहाँ पर देखेंगे तो सारे प्रशासनगढ़ लगे हुए हैं, सारे दृश्य दर्शक देखने के लिए बैठे हैं। और साथ में ये जो आप बोर्ड देखेंगे, ये बोर्ड लगे हुए हैं, तो इसी पे शाम अपने कुंवर अनंत नारायण जी आएंगे यहाँ पे, और सारे लोग जब इवनिंग काल में जब यहाँ पे सारे लोग एकत्र हो जाएंगे, तब वो बाल लीला स्टार्ट होगा भगवान श्री कृष्ण का। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। अगर वो सब चीज़ देखना चाहते हैं तो गाइस अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आप बेल आइकन आता है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और स्क्रिप्ट एकदम मत करिएगा गाइस, और क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा वीडियो आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है अपने बनारस का फेमस नागनाथैया। जो लोग मेरे वीडियो में अभी नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो अभी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा, क्योंकि अभी दो दिन के बाद है छठ पूजा। तो छठ पूजा में जो भी चीज़ एक्सप्लोर होगा अपने बनारस का, कैसा छठ पूजा मनाया जाता है, कैसा क्या होता है, आपको दिखने वाला है। सो उसको देखना है तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप उस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो गाइस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस वीडियो बने रहिएगा। जैसे यहाँ पे भीड़ होता है, जैसे सब कुछ होता है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखते हैं गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए गाइस, कर लीजिए। मेरे न्यू सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग आके पूछते हैं, पहुँचते हैं क्या है क्या नॉलेज, तो उसी चीज़ को ये लोग आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि घर जाके अच्छे से देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। श्री कृष्ण जी चल के जाएंगे और इस पेड़ पर चढ़ के यहाँ से फिर जंप करेंगे, तो वो दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो उस पे पेड़ पर देखेंगे कि आप माले फूल से इसको सजाया जा रहा है। कालिया नाग होते हैं वो इसके अंदर पैक है। जब भगवान श्री कृष्ण अंदर जंप करेंगे तो बहुत सारे जो नाव चलाने वाले मल्लाह होते हैं, केवट होते हैं, वो लोग सारे अंदर यहाँ कूदेंगे, और कूद के भगवान श्री कृष्ण को उसी पर बैठा के फिर यू राउंड करके सर्कल में ऐसा निकाल के फिर यहाँ पर लाएंगे। और भगवान जो यहाँ के कुंवर काशी नरेश जी के जो कुंवर हैं अनंत नारायण जी, वो माल्यार्पण करते हैं और सोने के कॉइन भी प्रदान करते हैं। तो ऐसे चीज़ देने के बाद फिर वहाँ पर इनका आरती वरती होगा, फिर इसके बाद ये चले जाते हैं ऊपर, जो कि वहाँ पर सम्पन्न होगा उनका लीला के माध्यम से। यहाँ पे खंबे के द्वारा इसको जमाया गया है, क्योंकि इस पेड़ को यहाँ लगाया जाता है, स्वयं निकला नहीं जाता है। तो आप कदम के पेड़ को यहाँ पे लिया के इसके अंदर स्टफ किया गया है जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, तो इस हिसाब से यहाँ से पुल टाइप का बना दिया गया, ब्रिज बना दिया गया, जो इस पर से आराम से चढ़ के उस पेड़ पर वो चढ़ सकें भगवान श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है, देखने लायक होता है। अगर बनारस से आप लोग लोकल हो तो जरूर आया कीजिए यहाँ देखने के लिए, और जो लोग बाहर रहते हो तो वो भी दीपावली के दूसरे तीसरे दिन आप गूगल पर सर्च करके इसको देख सकते हैं, और देखने के बाद आप उस डेट को फिक्स करके यहाँ पे 2 से 3 बजे करीब आ सकते हैं। तो ऐसा खूबसूरत दृश्य आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं दिखने वाला नहीं है, जो कि अपने केवल बनारस यूपी में दिखने वाला है, और तुलसी घाट पर। तो अभी कभी आप आना हो तो नेक्स्ट बार से आप लोग जरूर आइएगा, इस चीज़ को अपने लाइफ देखिएगा, तो कैसा लगता है, फील आता है, वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, और जो कि तैयारी अभी चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके बाद जो होगा वो तो आपके सामने होगा, देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे देखा भाई 11 टी। तो अक्सर मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी मैं अस्सी घाट पर आता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आप मैं यहाँ पे जरूर एक लेमन टी पीता हूँ, दूध वाला पीऊँ ना। तो भैया ने मुझे दिख गए, ये वो हैं बेच रहे हैं, तो मेरा ये हो गया तैयार, उसको पीते हैं और वेट करते हैं, और वेट करने के बाद जब लीला चालू होता है तो मैं आपसे ज़रूर दिखाता हूँ आपको सब।
मैं तो चाय का चुस्की लगा रहा हूँ, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो तो चाय का चुस्की लगाते हुए वीडियो देखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। बात तो सही है। दौड़ा हमेशा यहाँ गेट एक्चुअली फ्रेंड नहीं लगता था, लेकिन इस बार बहुत यूनिक ढंग से इसको यहाँ पे गेट वेट लगा दिया गया, फूल वो से बहुत अच्छा डेकोरेशन कर दिया गया यहाँ पे और खूब अच्छा मंच बना दिया गया। तो पिछली बार हुआ क्या था कि पानी का लेवल बहुत ऊपर था, तो जहाँ पे ये सब आप देख रहे हैं बिछा हुआ यहाँ पानी था, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस बार गंगा माँ नीचे चले गए तो हिसाब से यहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल गया, तो ये सब चीज़ इस बार के वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और धीरे धीरे जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब सारा फूल हो जाएगा ऊपर ऊपर जितना भी देख रहे हैं, और वहाँ भी चढ़ जाएंगे और धीरे धीरे लोग की भीड़ बढ़ते जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो लीला चालू हो जाएगी। ये है आपका तुलसी घर और काली फ्रेंड्स, आपको चाय मिलेगा यहाँ पर और चाय के अलावा कुछ नहीं, तो चाय से काम चला लेते हैं। का बॉल बना रहे भैया, और भैया को मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। भैया संकट मोशन में अगर यहाँ के लोकल होंगे तो कभी आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देखेंगे तो मैं बता दूँ ये हमेशा संकट मोशन के अंदर जो वहाँ के पास जो पानी वानी पिलाया जाता है उसके जस्ट बगल में जो माला फूल बिकता है भैया हमेशा वहाँ पाएंगे, और रात को 12:15 बजे इनको मुलाकात करना है भजन के साथ, तो वहाँ पे इनको मिल जाएंगे। तो उनको मैं देखा वो दूर से तो मुझे पहचान में आया, तो अभी इनके पास चले आए बात करने के लिए। तो देख रहे हैं कि भैया लगे हुए हैं, क्योंकि ये संकट मोचन के जो महंत जी हैं उन्हीं के माध्यम से ये पूरा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो ये लोग भाई सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे ये दिया है कि जितना भी ये कदम का पेड़ है ये इनके कैंपस में होता है, संकट मोचन जो कैंपस है उसके अंदर है, और ये लोग कंधे पर उठा कर ही लाते, क्योंकि जिसको जमीन पर नहीं रखा जाता है जो मान्यताएं हैं, और इसको चाहते तो किसी साधन से भी ला सकते हैं, लेकिन नहीं, सारे लोग अपने कंधे पर उठा के सारे पेड़ को लाए हैं। और भैया लोग सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस समय भगवान को खेलने के लिए गेंद भी बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए, तो ये गेंद ही इसको समझेगा भगवान का गेंद है, क्योंकि आपको कास्को और ये सब नहीं मिलेगा वहाँ पे, उस समय नहीं था भगवान के टाइम। यही फ्लावर के गेंद बना रहे हैं, जो कि अभी कुछ पल में देखेंगे कि वहाँ जब लीला चलेगा वहाँ पर ऊपर भगवान खेलते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे, और यहीं के माध्यम से होते ये पेड़ पर चढ़ के कूदेंगे। तो ये आपका मुहूर्त के हिसाब से ये पूजा किया जाएगा, ये लीला का किया जाएगा, लेकिन ये पड़ेगा 4:45 तक समथिंग ये लीला खत्म होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यादा लोग जो बैठे हुए हैं ये लोग पूरा जो लीला होता है उसी का वो पाठ करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जो लीला करते हैं उसी का यहाँ पे माइक के द्वारा पाठ करेंगे, और उसी के विधान पे वो सब सारा कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। जब हमने आया था फ्रेंड्स तो भीड़ बहुत ही कम था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया, तो और भी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा देर पे अभी और बढ़ जाएगा। ऐसे ऊपर ऊपर के ऊपर देखेंगे जो अधिकारी लोग आते हैं ऊपर, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे ही लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा होती जा रही है। जब मैं एक्चुअली आधे घंटे पहले आया तो देखा होगा आपने पीछे भीड़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और 4:45 बजे करीब इस लीला को समाप्त किया जाएगा, जो कि स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी कुछ पल में ही। तो लीला आधे से 4.25 घंटे चलता है, और उसी को देखने के लिए पूरे काशीवासी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो कि जिनको पता होता है। तो गाइज़ अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं देखे हो तो जरूर मेरे वीडियो के माध्यम से देखिएगा, और नेक्स्ट बार इसका टाइमली आप लोग पता करके जरूर आइएगा और उसको लाइव सामने से देखिएगा। कालियानाथ के ऊपर अवस्थित होकर उसके फणों पर अद्भुत विचित्र तांडव करने वाले हमारे ये जो रेड और तो गुंबज दो आप देख रहे हैं, इसी गुंबज के अंदर वो कालिया नाग है, जो कि जब भगवान श्री कृष्ण ऊपर से जंप करेंगे कूदेंगे पानी में, उसके बाद इसी में से केवट लोग कालिया नाग को निकाल के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बैठा के ये चारों तरफ इनका चक्कर लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर यहाँ पे उनकी आरती की जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं प्रशासनगढ़ कितना लग गए हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। मैं ये आपका है तुलसी घाट करेंगे,
बस यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का आगमन हो चुका है। भाई आपको ले चलते हैं भगवान प्रभु से कृष्ण जी से मिलाने के लिए। तो उस ब्रजविलास के आधार पर जो कथा चल रही है कालिया नाग भैया की लीला का कालिया नाग रहता है उसी के नारद जी और कंस के बीच का संवाद भी हम लोग अवलोकित कर रहे हैं। कंस का हम लोग बारगा ही कहते हैं उस काल पे। ये है आपकी राधा जी अपनी सखियों के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर जो सकट भूषण के महंत जी हैं महाराज जी हैं वो भी स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर। अब जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। जो हैं ये लोग तैयार होंगे और जब लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इस पेड़ से जंप करेंगे कूदेंगे तो फिर ये लोग जितने लोग हैं ये लोग पानी में जाएंगे और पानी में से भगवान श्री कृष्ण को कालीना को बैठा के चारों तरफ राउंड घुमाएंगे। तो ये लोग गाइस ये वो दृश्य है जो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र लोग के साथ गेंद खेलते हैं वो ये वो दृश्य यहाँ पर चल रहा है जो लीला चल रहा है। इसके बाद जब गेंद पानी में फेंका जाता है उसके बाद ये आपको पानी में जंप करेंगे। गाइस ये लोग पूरी गेंद फेंक दिए पानी में चला गया है। अब ये दृश्य चालू होगा जो भगवान श्री कृष्ण जी अब चलेंगे पानी में कूदने। ये पेड़ पर चढ़ रहे हैं आपका Thank you.
फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यहाँ का नागनथैया देखकर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा, और साथ में उसको शेयर भी ज़्यादा करिएगा कि लोगों को पता चल सके बनारस में कुछ इस टाइप का भी फेस्टिवल मनाया जाता है, नागनथैया, जो भगवान श्री कृष्ण जी कूदते हैं जमुना में और वहाँ से कालिया के ऊपर मार कर ऊपर लाते हैं उसको। तो उस टाइप का दृश्य यहाँ देखने के लिए आपको बनारस के 80 घाट के बगल तुलसी घाट पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी लीला समाप्त हो गया है। और साइड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, भीड़ काफ़ी हद तक था, वो लोग भी जा रहे हैं। तो लीला पूरी तरह संपन्न हुआ और यहाँ के जो काशीनगर के कुंवर साहब थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यहाँ पर बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली कोई वीडियो नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, इन फ्यूचर मेरा 2 दिन के बाद आने वाला है डाला छठ पे पूजा, डाला छठ का वीडियो अपलोड होने वाला है इस पर। तो वो सब गाइस अगर देखना चाहते हैं तो तुरंत अभी आपको मैम भी हायर कर रही हैं। तो गाइस अगर आपको वो सब वीडियो देखना चाहती हैं तो तुरंत आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है वो सब वीडियो को लुक उठाने के लिए। तो गाइस इसी तरह मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड इवनिंग और हर हर महादेव।